स्टूडेंट्स टू आईआईटीएंस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए बच्चों, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के बी साइन एक्स प्लस इज इक्वल टू ए कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसे इक्वेशन वन मान लेते हैं और जो हमें ये प्रूव करना है इसमें हम यूज करेंगे इस इक्वेशन को। तो ये आपका a इंटू साइन टू एक्स प्लस बी कॉस टू एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, ये हम LHS ले लेते हैं। तो ये आपका a इंटू और साइन टू एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, टू साइन एक्स कॉस एक्स। प्लस और b कॉस टू एक्स को मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहां पर अगर आप देखें तो ये आपका टू साइन एक्स, आप इसको बाहर निकाल लीजिए, इंटू ए कॉस एक्स। ए कॉस एक्स ये हमारा साथ में हो गया और देखिए इसे हम क्या लिखेंगे, b cos स्क्वायर x माइनस b साइन स्क्वायर x। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होकर के ये ऐसा हो गया। अब देखिए ये आपका 2 टाइम्स साइन x, a cos x ये हमारा है, a cos x है हमारा ये इक्वल टू b साइन x। तो हम क्या करेंगे, इसको हम b साइन x कर लेंगे। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन वन, ये यहां पर इसके नीचे जस्ट नीचे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन वन प्लस और ये आपका बी कॉस स्क्वायर एक्स माइनस बी साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये आपका टू बी साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस b cos स्क्वायर x माइनस b साइन स्क्वायर x। ठीक है, अब 2b साइन स्क्वायर x माइनस b साइन स्क्वायर x क्या हो जाएगा, b साइन स्क्वायर x हो जाएगा प्लस b cos स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, b हम ले सकते हैं कॉमन, अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। ठीक है, ये क्वांटिटी कितनी होती, वन होती है, तो ये आपका b इंटू वन इज इक्वल टू b किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। ठीक है, तो RHS के इक्वल अगर है तो ये बात यहां से प्रूव हो जाती है, इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए सेकेंड पार्ट है हमारा क्वेश्चन का। तो देखिए यहां पर हम cos 2x को जब हम ओपन करेंगे तो हम इसे tan x के टर्म्स में लिखेंगे। तो cos 2x का जो फॉर्मूला tan x के टर्म्स में होता है ये आपका होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक, ये होता है, तो इसे मैं लिखूंगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई। ठीक है, अब टेन स्क्वायर एक्स की जो भी वैल्यू दी है इसको हम रख देंगे यहां पर, तो ये आपका 2 tan स्क्वायर वाई प्लस 1 अपॉन और ये आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, प्लस और ये आपका कितना है, ये है आपका साइन स्क्वायर वाई। ठीक है, ओके, तो यहां से आप देखेंगे कि ये आपका जब माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये और ये आपके कैंसिल हो जाएंगे और देखिए ये आपका 2, डिनोमिनेटर में भी हम इसकी वैल्यू रखेंगे, डिनोमिनेटर में मैं मिस कर गया, तो डिनोमिनेटर में भी इसकी जब वैल्यू रखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स की जगह पर हम रखेंगे 2 टेन स्क्वायर वाई प्लस 1। ठीक है, तो ये आपका माइनस 2 टेन स्क्वायर वाई अपॉन 2 टाइम्स
अब कॉमन लेंगे, ये 1 + 1 हो जाएगा 2, तो ये 1 + tan²y हो जाएगा प्लस sin²y, तो ये 2 2 कट जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -tan²y अपॉन 1 + tan²y आपका हो जाएगा sec²y प्लस sin²y। आगे इसको सॉल्व करते हैं, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं -sin²y अपॉन cos²y, और इसको sec²y को हम कर सकते हैं 1 upon cos²y प्लस sin²y। ठीक है, तो cos²y से cos²y कैंसिल, ये आपका -sin²y प्लस cos²y दोनों आइडेंटिटी प्लस sin²y दोनों टर्म आइडेंटिकल है, एक प्लस एक माइनस कट जाएगा, जीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ये बात हमारी प्रूव हो जाती है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए।